टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन फोर से रिलेटेड काफी सारे नए प्लॉट डिटेल्स इंटरनेट पर सामने आए हैं, जिसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन 4 जुलाई 12, 2024 को रिलीज होने वाला है, और इस मूवी की स्टोरी क्या होगी और इस मूवी का प्लॉट क्या होगा, इससे रिलेटेड बहुत सारे रिपोर्ट्स अभी इंटरनेट पे घूम रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि स्पाइडरमैन 4 की मूवी एक स्ट्रीट लेवल मूवी होगी। इसका मतलब इस मूवी के अंदर हम टॉम हॉलैंड के पीटर पार्कर को या स्पाइडरमैन को स्ट्रीट लेवल थ्रेट से डील करते हुए देखेंगे, और इस मूवी के अंदर ऐसा हो सकता है कि स्पाइडरमैन डेयरडेविल के साथ टीम अप करें। इंटरनेट पे ऐसे रिपोर्ट्स निकल के आ रहे हैं कि बेसिकली स्पाइडरमैन 4 के अंदर डेयरडेविल और टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन टीम अप करने वाला है, और स्पाइडरमैन 4 का मेन विलन और कोई नहीं बल्कि किंगपिन होने वाला है। डेयरडेविल को अभी आपने सीएल के सीरीज में देखा, इसके बाद डेयरडेविल को आप इको के सीरीज में देखोगे, जिसके अंदर भी हमें किंगपिन देखने को मिलने वाला है, और इको के सीरीज के बाद डेयरडेविल को आप डेयरडेविल की सीरीज के अंदर देखोगे, यानी कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन के अंदर देखोगे, जो कि 2023 में रिलीज होने वाली है। और बेसिकली डेयरडेविल बॉर्न अगेन के इवेंट्स डायरेक्टली लीड अप करेंगे स्पाइडरमैन 4 के अंदर। डेयरडेविल ने अपना डेब्यू स्पाइडरमैन 3 के अंदर ही किया था, और डेयरडेविल ने उस मूवी के अंदर पीटर पार्कर के लॉयर का रोल प्ले किया था। अब ऐसा लगता है कि स्पाइडरमैन 4 के अंदर हम डेयरडेविल को स्पाइडरमैन का ऑफिशियल पार्टनर बनते हुए देखेंगे, और न्यूयॉर्क के अंदर क्राइम फाइट करते हुए देखेंगे। डेयरडेविल और किंगपिन काफी बड़े करेक्टर्स होने वाले हैं मार्वल फेज 4 और 5 के अंदर, जहां पे ये दोनों करेक्टर्स मल्टीपल सीरीज और मूवीज में इन्वॉल्व होने वाले हैं। जहां पे ऐसा हो सकता है कि किंगपिन का मेन गोल न्यूयॉर्क के मॉब को कंट्रोल करना के तो होगा ही, पर इसके अलावा किंगपिन शायद न्यूयॉर्क का मेयर भी बनना चाहता होगा। कॉमिक्स के अंदर भी ऐसा होता है जहां पे किंगपिन न्यूयॉर्क का मेयर बन जाता है, जिसके बाद किंगपिन सारे विजिलेंटिस को इलीगल डिक्लेयर कर देता है। तो ऐसा हो सकता है कि स्पाइडरमैन 4 के अंदर हम किंगपिन को न्यूयॉर्क का मेयर बनते हुए देखें, और किंगपिन सिटी के अंदर सारे विजिलेंटिस को इलीगल डिक्लेयर कर देगा, जिसके बाद स्पाइडरमैन को और डेयरडेविल को किंगपिन के अगेंस्ट लड़ना पड़ेगा, जिस किंगपिन के पास लॉ का पूरा कंट्रोल भी होगा, इसके अलावा मॉब का पूरा कंट्रोल भी होगा। तो स्पाइडरमैन 4 एक काफी अच्छी स्ट्रीट लेवल एमसीयू मूवी बन सकती है, पर बहुत सारे लोगों का ये सवाल जरूर होगा कि क्या स्पाइडरमैन 4 के अंदर हमें एंड्रू गारफील्ड और टॉबी मैग्वायर दिख सकते हैं या नहीं। तो सोनी जरूर एंड्रू गारफील्ड, टॉबी मैग्वायर और टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को एक बार वापस साथ लाना चाहते होंगे, पर यह कहना मुश्किल है कि क्या स्पाइडरमैन 4 के अंदर ही हम ये तीनों स्पाइडरमैन टीम अप करते हुए दिख जाएंगे, क्योंकि अगर स्पाइडरमैन 4 के अंदर ही टॉबी मैग्वायर और एंड्रू गारफील्ड स्पाइडरमैन वापस आ जाता है तो इस चीज से नो वे होम की स्पेशलनेस कम होगी। सो एंड्रू गारफील्ड, टॉबी मैग्वायर और टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन टीम अप करेंगे जरूर, पर मे भी किसी लेटर मूवी के अंदर, स्पाइडरमैन 4 के अंदर नहीं। पर एंड्रू गारफील्ड और टॉबी मैग्वायर के रेफरेंसेस या ईस्टर एग्स भले ही हमें स्पाइडरमैन 4 के अंदर देखने को मिल सकते हैं, पर ये तीनों टीम अप मे भी किसी लेटर मूवी में ही करेंगे। इसके अलावा स्पाइडरमैन नो वे होम के लास्ट में वेनम सिम्बियोट का एक ड्रॉप एमसीयू के अंदर आ जाता है, तो बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल होगा क्या स्पाइडरमैन को, यानी कि टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को क्या सिम्बियोट सूट मिलेगा स्पाइडरमैन 4 के अंदर। तो ऐसा हो सकता है कि सिम्बियोट सूट स्पाइडरमैन को स्पाइडरमैन 4 के अंदर मिले, पर ऐसे भी चांसेस है कि स्पाइडरमैन 4 के अंदर टॉम हॉलैंड को सिम्बियोट सूट ना मिले, और टॉम हॉलैंड को सिम्बियोट सूट और किसी मूवी में नहीं बल्कि सीक्रेट वॉर्स के अंदर मिले, जैसे कि कॉमिक्स के अंदर हुआ था। बेसिकली कॉमिक्स के अंदर पीटर पार्कर को सबसे पहली बार वेनम सिम्बियोट सूट सीक्रेट वॉर्स के इवेंट के दौरान मिलता है, तो ऐसा हो सकता है कि टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को भी उसका पहला सिम्बियोट सूट सीक्रेट वॉर्स की मूवी के अंदर मिलेगा और स्पाइडरमैन 4 के अंदर नहीं। स्पाइडरमैन 4 2024 में रिलीज होगी और सीक्रेट वॉर्स 2026 में रिलीज होगी, तो क्योंकि स्पाइडरमैन 4 और सीक्रेट वॉर्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए ऐसा हो सकता है कि टॉम हॉलैंड को उसका सिम्बियोट सूट मिलने में और टॉम हॉलैंड को विद सिम्बियोट सूट हम सीक्रेट वॉर्स की मूवी के अंदर देखेंगे। बाकी आप मुझे कमेंट्स में लेकर बताना भूले कि आपको स्पाइडरमैन 4 का प्लॉट कैसा लग रहा है, और क्या आप स्पाइडरमैन को डेयरडेविल को किंगपिन के अगेंस्ट लड़ते हुए देखना चाहते हो नहीं इन स्पाइडरमैन 4, ये मुझे कमेंट्स में लेकर बताना भूले। इसके अलावा अगर आपको अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 और सोनी के आने वाले मैडम वेब मूवी के बारे में जानना है तो इन सारे टॉपिक्स के ऊपर भी आपको मेरे चैनल पर वीडियोस मिल जाएंगे, आप जाकर देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल रहा होगा। बाकी इस वीडियो को इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, और अगर मेरे चैनल पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।